माय नेम इरज शेरानी, मैं पेशावर से हूँ और यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट में आज आर्ट एग्जीबिशन है। तो यहाँ पर बहुत सी पेंटिंग्स और जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना सारा वर्क, आर्ट वर्क जो है, पेंटिंग्स वगैरह और स्कल्पचर्स जो हैं यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं आज। तो ये बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है हमारे लिए, इन्हें देख कर हमें जो है मतलब डेवलपमेंट आती है कि हमने ये काम किस तरीके से करना है। ये मुख्तलिफ आर्ट और पेंटिंग लगे हुए हैं ना, तो इसका मतलब बेसिकली मतलब आजकल आप लोग देख ले तो हमारे मुआशरे में फसाद और ये चीज़ें लगी, तो इसमें मतलब आर्ट और ये आ जाए तो मतलब ये मुआशरे का एक अकासी करता है और मुआशरे को बदल सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो अलमनाई एग्जीबिशन है यहाँ पे, सबसे जो हमारे जितने भी सीनियर आर्टिस्ट थे सब ने पेंटिंग्स लगाई अपने, जिसे देख के हमें आइडियाज़ मिलते हैं कि हमें काम कैसे करना चाहिए और इससे हमारे काम में और बेहतरी आती है कि अच्छे और बुरे पेंटिंग में हमें फ़र्क समझ आ जाता है। यहाँ पर ये जो आप एग्जीबिशन देख रहे हैं, ये एक्चुअली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आर्टिस्ट डे, जो कि 25 अक्टूबर को होता है। इवेंट अरेंज किया है, इसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज़ की पेंटिंग्स हैं। इसमें हमने फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के एलमनाई को भी ऐड किया है, यहाँ की जो फैकल्टी है उनको भी ऐड किया है और हमारे जो रिसेंट स्टूडेंट्स हैं उनको भी ऐड किया है। यहाँ पर आपको जितनी पेंटिंग्स नज़र आएंगी उसमें आपको जो है डिफरेंट मीडियम्स नज़र आएंगे, उसमें आपको वाटर कलर, ऑयल, पेंसिल, स्केचिंग, हर चीज़ आपको नज़र आएगी। और हमारा मेन फोकस यही है कि जो आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट है उसको थोड़ी सी तवज्जो मिले, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा कम हैं और टाइम के साथ साथ ये एक ऐसी फील्ड है जिसको मतलब मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है अब तो पहले से ज़्यादा इस चीज़ को फोकस कर रही है। बट मैं चाहूँगी कि पेशावर यूनिवर्सिटी का जो आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट है इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए जाएँ। और जहाँ तक काम है, आप देखेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका काम कितना प्रोफेशनल है और एलमनाई में जितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है तो वो सभी एलमनाई अभी किसी न किसी पोस्ट पर अपना जो है बहुत अच्छी एक कारकर्दगी जो है वो सर अंजाम दिए। जो नुमाइश हैं, हम इस नुमाइश के ज़रिए दुनियाई फ़न में अपने तलबा तालिबात और इस डिपार्टमेंट के, इस यूनिवर्सिटी की जो कंट्रीब्यूशंस है इस नुमाइश की सूरत में हम पेश करना चाहते हैं, ताकि हम इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे के तौर पर इसको अपनी हैसियत और अपनी लेवल की बात बताएं कि जिस तरह बाकी ममालिक में दुनिया में आर्टिस्ट और डिज़ाइनर काम करते हैं, तो हमारे इस शोबा की कंट्रीब्यूशंस क्या हैं। तो ये बड़े वजूहात हैं। इसके अलावा भी 25 अक्टूबर के बहुत सारे ऐसे आर्ट के हवाले से अहमियत हैं, जो ख़ास तौर पर एक अहम बात गुलजी, जो इस शहर की एक पहचान है और फिर इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा नाम है, एज़ाज़ की बात है, और फिर फ़न की दुनिया में उनका अपने एक मुकाम और हैसियत है, तो उनका भी तारीख पैदाइश है। तो आर्ट का एक ऐसा शोबा है कि एक तो इस ये एक मुस्तकिल ज़रूरत है इंसान की, जब तक इंसान रहता है बाकी है तो इसकी ज़रूरत, क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा होता है, ये हमारे माशरत का हिस्सा होता है, ये हमारे मज़हब का हिस्सा होता है आर्ट के ज़रिए, इसी तरह हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा होता है। तो जिस जिस हवाले से आप आर्ट को कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आर्ट की ज़रूरत होती है।